अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा मैच इनको कैसे बनाते हैं, उसमें बैकरोमेन कितना डालते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैच इनकी क्वांटिटी हमने इतनी रखी है, हम उस हिसाब से अपना बैकरोमेन डालेंगे। तकरीबन ये जो हमने, ये देख सकते हैं आप, हमने इतना बैकरोमेन डाला है। हम इसको हम मिक्स करेंगे। जितना थिन मैचम बनेगा उतनी ही हमारी अच्छी स्क्रीन बनेगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखें फ्रेम, ये मैंने बाजार से लिए है। जो न्यू कमर है उनके लिए ये काम बहुत इजी हो जाएगा। बाजार से ये फ्रेम लाएं, लाने के बाद कपड़ा इसके ऊपर रखें, कपड़ा रखने के बाद इसको यहाँ से प्रेस कर दें, ये आपका फ्रेम बन जाएगा। अगर आप कहेंगे इसका भी हम पूरी वीडियो बना के बता देंगे आपको कैसे ये फ्रेम वगैरह फिक्स होता है। अब हम इसमें मैचन लगाएंगे, हमारी मैचन बन चुकी है। ये देखें मैचन हमारी थिक बने या थिन बने, पर स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर लगनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल बराबर की लगानी है, कोई हिस्सा छूट ना जाए। देखिए बराबर की हमने लगा दी है इसको मैचम। इसको हम ड्राई करेंगे अब 15 से 20 मिनट, जब तक खुश्क नहीं होती हमारी है। ये देख सकते हैं हमारी ड्राई हो चुकी है।
अब हम इसकी एक्सपोजिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा शीशे का फ्रेम है, ये कोई भी आप घर में भी बना सकते हैं। शीशे का फ्रेम है, दो ट्यूब रखी हुई हैं और शीशे से ट्यूब का फर्क एक फुट का है। ये हमारा डिज़ाइन है, ये हम डिज़ाइन रखेंगे। ये हमारा फ्रेम है, इसके बिल्कुल सेंटर पर रखना है आपने। ये देखें ये बिल्कुल सेंटर आ गया है इसका। इसके ऊपर हम कोई भी, ये मैंने फोम रखा हुआ है, फोम से ज़रा अच्छी स्क्रीन बन जाती है, वजन जो है वो अच्छा डल जाता है। ये देखें ये हमारा फोम आ गया। इसके ऊपर हम ये रखेंगे टायर। अब इसके ऊपर हम वजन दे देंगे। ये अच्छी तरह प्रेस हो गए हैं, इसको अब हम लाइट चलाएंगे। अगर हम ट्यूब लाइटों पे बनाएंगे स्क्रीन तो हम इसको 8 मिनट देंगे, अगर हम सूरज की रोशनी से बनाएंगे तो इसको सिर्फ 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे। अब हम इसको 8 मिनट के बाद देखेंगे स्क्रीन कैसी हमारी बनी है। ये देखें अब स्क्रीन हमारी बन गई है, अब हम इसको वॉश करेंगे। ये देख सकते हैं हम स्क्रीन बहुत प्यारी बन गई है हमारी, बिल्कुल साफ आई है। ये देखिए हमारी स्क्रीन बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको ड्राई करेंगे।